हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेनू द किचन चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशली लौकी का तड़के वाला रायता। जैसे आपको सब्जी बनाने की इच्छा नहीं हो रही हो तो आप इस तरीके से लौकी का रायता बना सकती हैं। हेल्दी का हेल्दी है और बहुत ही बढ़िया है। अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्यों आप सभी को मेरे चैनल पे अच्छी अच्छी रेसिपियाँ देखने को मिलेंगी और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए आइए हम बनाते हैं तड़के वाला लौकी का रायता, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनेगा। चलिए बनाते हैं। तो चलिए आइए बनाते हैं हम लौकी का रायता। ये देखिए 100 ग्राम हमने लौकी ले ली है, जो कि मैंने पहले से कद्दूकस करके बॉईल करके ठंडी करके रख ली है। और यहाँ पे हम सामान लेंगे, ये मैंने दही लिया है, 250 ग्राम दही है। दही को हम बाद में अच्छे से फेंट लेंगे रायता बनाने के लिए। यहाँ पे जीरा लिया है, जीरे को मैंने भून के पीस लिया है। नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्च एक बारीक काटी है, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक। तो चलिए उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हम अपना दही डाल देंगे, दही मैंने फेंट लिया है। अब ये लौकी है, लौकी को ध्यान रखिएगा बॉईल करके ठंडी करके ही रायता बनाएं, गरम गरम नहीं डालें वरना दही हमारा फट जाएगा। इस तरीके से हम अच्छे से चला लेंगे दही में लौकी को। अगर हमें सब्जी बनाने का मूड नहीं है, कभी कभार लेडीज़ों को नहीं होता मूड बनाने का, तो इस तरीके से हम रायता बना के खाना खा सकते हैं। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है, हेल्दी का हेल्दी होता है, खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है। ये जीरा है जो हमने भूंज के पीस के रखा हुआ था पहले से, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है रायते में। बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगा। काला नमक है, ये काला नमक डाल देंगे हम। हरी मिर्च है, ये लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं। अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल भी ना डालिए। इसको हम मिला लेंगे। चलिए हम रायते में तड़का लगाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया रख लिया है, दिया तो सभी के घरों में होता है, मिट्टी का दिया है। इसमें मैंने तेल डाल लिया है, तेल हमारा गर्म हो रहा है। दिया तो सभी के घर में होते हैं, दिवाली के दिन हम खरीदते हैं तो बच ही जाते हैं। तो ये दिया, दिए का जो तड़का होता है वो अलग ही टेस्ट होता है उसका, इसलिए हम दिए ही में तड़का दे रहे हैं आज। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम जीरा डाल रहे हैं। जीरे को हम थोड़ा कड़कने देंगे। ये देखिए जीरा भी बढ़िया हमारा कड़क चुका है। गैस हम थोड़ी तेज करेंगे। देखिए जीरा भी कड़क चुका है, गैस को हम सिम करेंगे। अब इसको हम चिमटी की सहायता से उठाएंगे, गैस को ऑफ करके ये हम बढ़िया तड़का लगा देंगे। ये देखिए लौकी के रायते में, ये देखिए इसको अब चलाएंगे। रायते में तड़का लग चुका है हमारा। अब दिया है जो, उसको हम निकाल लेंगे। अब रायते को हम सर्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया लौकी का रायता बनके तैयार हो चुका है, इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। इसको मैं सर्व करूँगी। अगर आपके बच्चे लौकी की सब्जी नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप उनको रायता बना के खिला सकती हैं, बहुत ही बढ़िया बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आप सभी को मेरे ये लौकी के रायते की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप सभी को मेरे ये लौकी के रायते की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
तथा शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके आप सभी मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये लौकी के रायता की रेसिपी कैसी लगी है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।